वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन क्लासेस में आज की कोरल ड्रॉ लोगो क्लासेस में हम पेटीएम का लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले एलिप्स टूल का यूज़ करते हुए हम यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। शिफ्ट के साथ उसको अंदर की तरफ आपको रखना है, लेकिन पहले हम इसकी आउटलाइन थोड़ी यहां पर चेंज कर लेते हैं। F12 की से हमने थोड़ी इसकी आउटलाइन चेंज कर ली है और इसी शेप को हम यहाँ से शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ राइट क्लिक करते हुए ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इसके ऊपर। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको इसका सिलेक्शन करना है। ई एंड सी से आपको इसका अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सी से सेट कर देना है। इसके बाद अंदर जो हमने सर्कल की शेप बनाई थी उन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है और ऊपर वाले रेक्टेंगल को नीचे सर्कल के साथ यहाँ से कर देना है ट्रिम। ऐसा करने से वो जो लाइनिंग आपको दिख रही थी रेक्टेंगल के अंदर से वो दिखनी बंद हो जाएगी। अब आप ये जो रेक्टेंगल बनाया था हमने, इसको भी F12 से इसकी आउटलाइन भी चेंज कर लीजिए। आउटलाइन चेंज करने के बाद हमें इसकी लाइनिंग यहाँ से साइडों से हटानी है। सबसे पहले तो कंट्रोल क्यू करते हुए इन दोनों साइडों को हम यहाँ से कर देंगे ब्रेक कर्व। दोनों तरफ से हमें ब्रेक कर्व कर देना है। ब्रेक कर्व करने के बाद हमें यहाँ से यूज़ करना है इसका ब्रेक कर्व अपार्ट। ऐसा करने के बाद हम यहाँ से पिक टूल की हेल्प से इन लाइनों को अलग अलग रखते हुए डिलीट कर देंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट को रोटेट करना है। सबसे पहले हम एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। इस सर्कल को हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो इनके ऊपर प्लेस होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया है सील ऑफ ट्रस्ट और इसी के साथ हमने उसका थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। यहाँ पर फॉन्ट हमने 34 डाल दिया है। 34 फॉन्ट चेंज होने के बाद हम यहाँ से उसको सेट करेंगे इस सर्कल के ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस पहले कर देते हैं 34। उसके बाद हमें जाना होगा टेक्स्ट टूल के अंदर फिट टेक्स्ट टू पाथ और इस तरीके से इस पर सेट करना है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वो आप देख लीजिए। उसके बाद बोल्ड करना है वो सेट कर लीजिए। एंड यहाँ पर हमें एक और टेक्स्ट टाइप करना है वी केयर और सेम एज हमें यहाँ पर उसको भी अलाइन करना है। साइज दे देना है 34। सेट कर देना है हमें टेक्स्ट के अंदर से फिट टेक्स्ट टू पाथ और इस तरीके से रखते हुए हमें उसे फ्लिप मिरर करना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टली करना है। उसके बाद हमें इसी के ऊपर प्लेस कराते हुए यहाँ से इस तरीके से सेट कर देना है। अब हमारा ये जो सर्कल हमने बनाया था अंदर, कंट्रोल के से उसे ब्रेक अपार्ट करते हुए उस सर्कल को अलग रखते हुए डिलीट कर देंगे। देन आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक करते हुए या फिल कलर करते हुए इन टेक्स्ट पर कलर बदल सकते हैं। और उसके बाद हमें अब पेटीएम का नाम लिखना है, जिसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल का फिर से यूज़ करेंगे और यहाँ से लिख देते हैं हम पेटीएम। स्मॉल में लिखना है। स्मॉल में लिखने के बाद आपको कर देना है उसे बोल्ड। आप यहाँ से फॉन्ट एज पर नीड ले सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट टूल से सिलेक्शन कराते हुए पहले इनको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा डार्क कलर और लास्ट वाले कैरेक्टर पे थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर प्लेस करा दिया है। आपको शेप बनानी है स्टार की। स्टार शेप में आपको राइट क्लिक करते हुए उसका कलर और फिल कलर सेम रखना है और ये लीजिए हमारा पेटीएम का लोगो बन चुका है।